Hello everyone, let's take some more examples for the conversion of the regular expression to the finite automata. Let's pick the first one, which says that a plus ba and its entire closure. Let me write it here. I'm taking this one. So a plus ba and its entire closure and followed by ba. So you can see there are three parts, one, two, and three parts in this. So सबसे पहले हम एक basic diagram बना लेते हैं. Initial state हमने pick किया. उसके बाद फिर ए प्लस बी ए होल स्टार एंड देन बी ए, और इससे हम कहाँ पहुंच रहे हैं, वी आर रीचिंग टू द फाइनल स्टेट. फर्दर इसको ब्रेक डाउन करते हैं क्योंकि इसमें तीन कंपोनेंट्स हैं. तो जो पहला कंपोनेंट है वो एक क्लोजर है. सो इनिशियल स्टेट पे हम दिखा सकते हैं कि ट्रांजिशन है ए प्लस बी ए से, एंड देन इसके बाद बी सिंबल से हम नेक्स्ट स्टेट में पहुंचते हैं, देन ए सिंबल से हम नेक्स्ट स्टेट पर पहुंचते हैं जो कि हमारा फाइनल स्टेट है. नाउ इसको हम फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं. ए प्लस बी ए एक साथ नहीं लिखा जा सकता. इसका मीनिंग है कि ए और बी ए. सो इसका मतलब है कि हम पहले ए से अलग से ट्रांजिशन दिखा लेते हैं एंड देन बी ए से अलग से ट्रांजिशन दिखा लेते हैं, एंड देन इसके बाद बी ए भी एक साथ नहीं हो सकता. बी ए एक साथ इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि बी ए दो सिंबल्स हैं. तो इसको हमें ब्रेक डाउन करना पड़ेगा दो दो पार्ट में. सो बी ए को हम अलग कर देते हैं, पहले बी से एक स्टेट में ट्रांजिशन और ए से वापस इस स्टेट में ट्रांजिशन. नाउ ये तो हमने विदाउट यूजिंग द एप्सिलॉन सिंबल किया. अगर आप चाहें तो एप्सिलॉन सिंबल्स का यूज करके भी कन्वर्ट कर सकते हैं. सो आइए हम एप्सिलॉन सिंबल्स का यूज कर लेते हैं. यहाँ से हम दूसरा ऑटोमेटा बना रहे हैं जो कि इसी का इक्विवेलेंट होगा. सो हमारे पास इनिशियल स्टेट है क्योंकि ट्रांजिशन पहला ही सिंबल ट्रांजिशन बता रहा है, इस पहला ही सिंबल सेल्फ लूप बता रहा है या क्लोजर बता रहा है. सो हम एप्सिलॉन से इस स्टेट में पहुंच जाते हैं और यहाँ पे ट्रांजिशन बना देते हैं ए प्लस बी ए से. सो वी विल डू सम शॉर्टकट. इसके बाद एप्सिलॉन से इसके बाद आप बी सिंबल से नेक्स्ट स्टेट में पहुंच सकते हैं, इसके बाद आप ए सिंबल से नेक्स्ट स्टेट में पहुंच सकते हैं और यही आपका फाइनल स्टेट होगा. सो नाउ ए प्लस बी ए का जो ट्रांजिशन है उसको हम कैसे दिखाएंगे. दो अलग अलग पार्ट्स इसमें होंगे. एक पार्ट होगा जो ए से ट्रांजिशन दिखाएगा और एक पार्ट ऐसा होगा जो कि बी ए से ट्रांजिशन दिखाएगा. सो यहाँ पे बी है और यहाँ से ए है. ये जो भी हम बना रहे हैं ये एन एफ ए बना रहे हैं या एप्सिलॉन एन एफ ए बना रहे हैं. अगर आपको डी एफ ए बनाना है तो इसका आपको कन्वर्जन करना पड़ेगा एप्सिलॉन एन एफ ए का एन एफ ए में एंड देन एन एफ ए का डी एफ ए में. आई होप आपको ये मेथड्स आते हैं, आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स ऑलरेडी देख रखे हैं. सो बी ए जो है, इस बी ए का हमें फर्दर एक्सपेंशन करना है. बी ए एक साथ नहीं हो सकता. सो बी ए के लिए एक बी से इस स्टेट में हम चले गए एंड देन ए से वापस इस स्टेट में आ गए जो कि हमें सेल्फ लूप कंस्ट्रक्ट कर देगा. सो दिस वॉज द फाइनाइट ऑटोमेटा फॉर द गिवन रेगुलर एक्सप्रेशन. सो वी हैव डन द फर्स्ट पार्ट. Let's take the other one, the other automata. Let me erase all these. Now you have the another one, that is AA plus AAA star. Agar aap iska language construct karein, so what will that be? So you can select epsilon. You can select double A yourself. You can select triple A. If you select two times double A, so it will be AAAA. And then if you select two times triple A, so that will be six times A. And then if you select this one and this one, then this will be five times A. So it means it is taking up double A, triple A, 4A, 5A, 6A, then it will be taking 7A also, it will be taking 8A also, and so on and so forth. So, first let us construct the basic finite automata for this. It says that it is the initial state, and since there is a self loop, so we can stay in the same state with AA or AAA. एंड दिस विल बी द फाइनल स्टेट. चूंकि एप्सिलॉन एक्सेप्ट हो रहा है इसलिए इनिशियल स्टेट ही हमारा फाइनल स्टेट होगा. फर्दर इसको अगर हम एक्सपैंड करें, सो दिस इज द इनिशियल स्टेट
और ए ए के लिए हमें एक स्टेट बीच में ऐड करना पड़ेगा, तब हम यहाँ पे पहुंचेंगे। और ट्रिपल ए के लिए हमें दो नए स्टेट्स बीच में ऐड करने पड़ेंगे, तब हम यहाँ पे पहुंच जाएंगे एंड दिस विल बी द फाइनल स्टेट। सो दिस इज अ वेरी सिंपल वन दैट वी हैव डिजाइन। आप चाहें तो इसको एप्सिलॉन से भी दिखा सकते हैं। एप्सिलॉन से कैसे दिखाया जाएगा? एप्सिलॉन ट्रांजिशन से। सो फॉर शोइंग इट विद द एप्सिलॉन ट्रांजिशन वी विल हैव टू टेक द इनिशियल स्टेट एंड देन फ्रॉम द इनिशियल स्टेट विद द एप्सिलॉन सिंबल आई विल मूव टू अनदर स्टेट दैट विल हैव द ट्रांजिशंस विद ए ए एंड ट्रिपल ए। फर्दर विद द एप्सिलॉन सिंबल यू विल रीच टू द फाइनल स्टेट। नाउ ए ए और ट्रिपल ए को कैसे दिखाया जाएगा? हमें बीच में स्टेट्स ऐड करनी पड़ेंगी। सो फॉर डबल ए एक सिंबल से नए स्टेट और एक सिंबल से वापस यहाँ। फॉर ट्रिपल ए एक सिंबल से न्यू स्टेट अनदर ए से एक नई स्टेट और वापस ए से इसी स्टेट में। फर्दर एप्सिलॉन ट्रांजिशन एंड देन द फाइनल स्टेट। सो दिस इज वेरी सिंपल वन। आइए नेक्स्ट हम डिजाइन करते हैं। और नेक्स्ट इज सेइंग दैट वी हैव ए प्लस फोर टाइम्स ए एंड होल स्टार। वैसे तो ये बिल्कुल ऐसे बनाया जा सकता है जैसे हमने अभी अभी ये वाला डायग्राम बनाया, बट इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हम इसकी लैंग्वेज की एनालिसिस कर लें। सो लेट्स से वी हैव दिस वन। सो दिस इज ए प्लस डबल ए होल स्टार। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? अगर आप केवल ए को सेलेक्ट कर लें, अगर आप केवल ए को सेलेक्ट करेंगे तो एप्सिलॉन सेलेक्ट हो सकता, अगर आप इन दोनों में से कोई भी सिंबल सेलेक्ट नहीं करेंगे तो एप्सिलॉन सेलेक्ट हो जाएगा लैंग्वेज सेट में। अगर आप ए सेलेक्ट करेंगे तो ए हो जाएगा, ए दो बार सेलेक्ट करेंगे तो डबल ए हो जाएगा, ए तीन बार सेलेक्ट करेंगे तो ट्रिपल ए हो जाएगा, ए चार बार सेलेक्ट करेंगे तो फोर टाइम्स ए हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ए से बनने वाले जितने भी स्ट्रिंग्स हैं वो सारी इस लैंग्वेज का पार्ट होंगे। सो इसका मतलब ये है कि ये फोर टाइम्स ए जो है वो केवल कंफ्यूज करने के लिए आपको गिवेन है। आप अपना ऑटोमेटा केवल ए सिंबल से बना सकते हैं। सो दिस इज द इनिशियल स्टेट दैट विल बी द फाइनल स्टेट। और ए से ही आप ट्रांजिशन दिखा के कंप्लीट कर सकते हैं अपना फाइनाइट ऑटोमेटा। सो दिस इज अ कंप्लीट फाइनाइट ऑटोमेटा। अगर आप इसमें एप्सिलॉन सिंबल का भी यूज करना चाहें, सो दिस इज द इनिशियल स्टेट। एप्सिलॉन सिंबल से आप नेक्स्ट स्टेट में मूव करिए, इसमें ए स्टेट से ट्रांजिशन दिखा दीजिए एंड देन इसके बाद फाइनल स्टेट में आप पहुंच जाएंगे। ओके सो दिस इज एक्चुअली ए स्टार। ओके सो वी हैव डन इट। नाउ वी आर लेट्स गो लेट्स सॉल्व द अनदर क्वेश्चन। एंड what this question is saying that we have a b whole closure and then plus a plus a b whole closure and then b closure and then a plus b whole closure. so you can see that कि यहाँ पे बहुत सारे components हैं। जरा हम देखते हैं कि हमारे पास components कौन कौन से हैं। अगर हम straight away देखें तो plus sign बीच में है, तो प्लस साइन का मतलब है कि ये पहला कंपोनेंट हो गया और ये दूसरा कंपोनेंट हो गया। सो एक रास्ते से आप ए बी स्टार की तरफ जाएं और दूसरा रास्ते की तरफ आप इसके लिए जाएं। ओके सो हम इनिशियल स्टेट एक बना लेते हैं और इस इनिशियल स्टेट से क्योंकि तो प्लस सिंबल बीच में इन्वॉल्व है, हालांकि एक स्टेप चलिए हम इसको बेसिक से ही करते हैं। सो एक साथ हमने इन सबको दिखा दिया पूरे रेगुलर एक्सप्रेशन को, ए प्लस ए बी होल क्लोजर then b closer and then a plus b whole closer. so we are reaching to the final state by this. after this क्योंकि plus sign बीच में involved है इसलिए हम इसको दो रास्ते बना देते हैं। initial state से एक रास्ता जो ab star की तरफ लेके जाएगा और दूसरा रास्ता दूसरा वाला। so ये वाला हमारा ab star वाला रास्ता है जो हमें एक नई state में लेके जाएगा और यही हमारा final state भी होगा। ये हमारा final state इसलिए होगा क्योंकि ab star से हमारे ए बी स्टार जितने भी होंगे उससे हम इस स्टेट में पहुंच सकते हैं, फाइनल स्टेट में पहुंच सकते हैं केवल ए बी स्टार से। अब इसके बाद अगर हम दूसरा वाला रास्ता सेलेक्ट करें तो दूसरा वाला रास्ता ये कह रहा है कि दिस इज ए प्लस ए बी होल क्लोजर एंड देन बी क्लोजर एंड देन ए प्लस बी होल क्लोजर। अब इसमें तीन कंपोनेंट्स हैं
इसके बाद आप फाइनल स्टेट पहुंच रहे हैं, दैट्स दिस इज द फाइनल स्टेट। सो दिस इज वन फाइनल स्टेट एंड दिस इज अनदर फाइनल स्टेट। तो ये जो पहला वाला पार्ट है उसके उसको हम कंप्लीट करते हैं। सो पहले वाले पार्ट को कंप्लीट करने के लिए हमें ए बी स्टार का एक्सपेंशन करना पड़ेगा, और चूंकि ए बी स्टार जो है वो इनिशियल स्टेट हमारे पास है, इनिशियल स्टेट पे इस क्लोजर है, इसलिए हम बेटर ये कि हम एप्सिलॉन सिंबल से इसका ट्रांजिशन दिखा दें। सो दिस इज यू आई, सो लेट्स टेक एप्सिलॉन एंड मूव टू वन स्टेट विच विल शो दी क्लोजर ऑफ ए बी, सो दैट विल बी अ सेल्फ लूप एंड विद द एप्सिलॉन सिंबल यू विल रीच टू अनदर स्टेट विच विल बी द फाइनल स्टेट। नो, ये जो ए बी है वो एक साथ नहीं बनाया जा सकता, इसलिए हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहला पार्ट क्या होगा इसमें, ए सिंबल से नई स्टेट और फिर बी सिंबल से वापस ही निकल। तो पहला पार्ट हमने या ऊपर वाला पार्ट हमने बना लिया है। जो नीचे वाला पार्ट है उसमें तीन सेल्फ लूप्स हैं, तो हम वैसा ही करेंगे जैसे हमने ऊपर वाले पार्ट में किया कि पहले एप्सिलॉन सिंबल से एक स्टेट में पहुंचते हैं जिसमें हम ट्रांजिशन दिखा देंगे ए प्लस ए बी से सेल्फ लूप, क्योंकि नेक्स्ट वाला पार्ट भी हमारा बी स्टार है मतलब कि सेल्फ लूप है। तो एप्सिलॉन से आप नई स्टेट में पहुंचिए और बी सिंबल से इसका ट्रांजिशन दिखा दीजिए, एंड देन नेक्स्ट पार्ट भी क्लोजर है तो एप्सिलॉन सिंबल से आप नेक्स्ट स्टेट में पहुंचिए और ए बी सिंबल सॉरी ए प्लस बी से यहाँ पे हम पहुंच जाते हैं और फिर एप्सिलॉन सिंबल से हम फाइनल स्टेट में पहुंच जाते हैं। लेट्स से दिस इज क्लियर। सो ऊपर वाले को हम क्यू एफ डैश मान लेते हैं और नीचे वाला क्यू एफ है। सो दो फाइनल स्टेट्स मुझे मिल रहे हैं। नेक्स्ट, इसके बाद ए प्लस ए बी वाला जो पार्ट है इसको हम फर्दर एक्सपेंड करते हैं। इसका मीनिंग ये है कि ए और ए बी दोनों से आप इसी स्टेट में सेल्फ लूपिंग कर सकते हैं। सो मैं थोड़ा सा शॉर्टकट कर रहा हूँ। मैंने ये किया कि ए से मैंने यहाँ पे सेल्फ लूप बना दिया और इसको ए बी दिखा दिया। चूंकि ए बी एक साथ नहीं हो सकता तो हमें इसका भी एक्सपेंशन करना होगा। पहले ए सिंबल से हम नई स्टेट में पहुंचते हैं एंड देन उसके बाद बी स्टेट से हम यहाँ पे वापस पहुंच जाते हैं। तो ये पार्ट कंप्लीट हुआ। अब आते हैं ए प्लस बी वाले पार्ट पे, मतलब दिस वन इस वाले पार्ट पे। ये वाला जो पार्ट है इसमें ए प्लस बी का ये मीनिंग है कि ए और बी। सो ए और बी का मीनिंग ये है कि या तो ए या तो बी, तो आप यहाँ पे सिंपली ए कॉमा बी अप्लाई कर सकते हैं। सो दिस इज ऑलमोस्ट कंप्लीट, बट एक सजेशन मेरा ये है कि अगर हम दो फाइनल स्टेट बना रहे हैं तो इसको कंबाइन करके सिंगल फाइनल स्टेट आप बना दीजिए, दैट इज मोर प्रेफरेबल। तो आप एक काम कीजिए, ये क्यू फाइनल स्टेट आप बना दीजिए और जो दो फाइनल स्टेट पहले से थे इनका एप्सिलॉन ट्रांजिशन से इन दोनों को ऐड कर दीजिए। सो एप्सिलॉन से यहाँ और एप्सिलॉन से यहाँ, और जो दो फाइनल स्टेट पहले से थे अब आप इसको फाइनल स्टेट नहीं मानेंगे तो आप इसको सिंपल स्टेट्स मान लीजिए। दैट्स इट, ये सिंपल स्टेट्स हैं और ये एप्सिलॉन सिंबल से फाइनल स्टेट में ट्रांजिट कर जाते हैं। सो दिस इज द रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर दिस फाइनाइट ऑटोमेटा। सो वी विल मीट विद अदर एग्जांपल्स इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।